औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज यूके के अंदर थोड़ी धूप है, तो मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों को आज दोबारा विज़िट करा देते हैं यूके का। तो माशाल्लाह आज मौसम काफ़ी ठंडा भी है लेकिन थोड़ी धूप भी है। तो आपने वीडियो को लाजमी देखना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये देख लें माशाल्लाह जी, यहाँ कितने ज़्यादा कबूतर हैं। ये देख, सूरज साहब कभी बादलों में चले जाते हैं और कभी सामने आ जाते हैं। यहाँ यूके के अंदर ये जब वो टर्न ग्रीन होगा तो यहाँ से आगे हम जा सकते हैं। यहाँ बस स्टॉप है और यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा बेहतरीन है यार। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी गाड़ी वाला या बस वाला अपनी लाइन को तोड़े। पाकिस्तान के बनिस्बत यहाँ तो जनाब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अभी जी बस में बैठ चुका हूँ, टाउन में जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग ही बना लूँ। तो अभी आपको यूके के नज़ारे कराते हैं जी। पाकिस्तान में आप बैठे हैं लेकिन नज़ारे आप यूके के करेंगे, ठीक है। तो वीडियो का आपने लाजमी देखना है। थैंक यू। ये जी बस का सेकंड फ्लोर है जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, और बड़ा मज़े का सफ़र होता है यहाँ से। ये ट्रैम है जी, इसको ट्रैम कहते हैं। दिस इज नॉट ए ट्रैम। ये भाई साहब साइकिल पे जा रहे हैं। अब बनाने हुए चांदी वही आना वहाँ वाली हुए अभी बस। ये जो आपको काम हो रहा है यूके के अंदर, तो इन्होंने इसको लगा के बंद किए हुए हैं और यहाँ काम चल रहा है। भाई साहब देख लें, ये इंग्लैंड के दरख्तों को भी लाइटें लगी हुई हैं।
देख लें, बच्चों के झूले लगे हुए हैं, ठीक है। और बच्चा बैठा भी बहुत है, ये कोई बुजुर्ग इधर ऊपर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं सबसे ऊंची पक्षी, ये देख लें जी जी। दोस्तों ये यूके की बस के अंदर का माहौल है, पाकिस्तान के अंदर बसों की हालत देखें तो कितनी ख़राब होती है। ये माशाल्लाह साफ सुथरी है, ठीक है, और बहुत ही इजी मज़े का सफ़र होता है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में तो गाड़ी में सफ़र करें यार तो सत्यानाश हो जाता है बंदे का। और यहाँ जैसे आपकी समझ लें कि प्राइवेट गाड़ी है, उसी तरह ये बस भी है। मुझे तो इस बस के अंदर सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, बजाय इसके पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा है यार, बोरिंग हो जाती है। पे मैं बैठा हूँ, उसके पीछे ये चार्जर वाला सिस्टम भी लगा हुआ है, आप सफ़र के दौरान अपना मोबाइल फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और इनको कंपेयर करें इधर पाकिस्तानी बसों के साथ तो भाई साहब उनकी जो सीट्स होती हैं उनको भी सत्यानाश होता है, ठीक है। ये है जी इमरजेंसी एग्ज़िट, ठीक है, अगर कोई अल्लाह ना करे मसला बन जाता है तो यहाँ से इमरजेंसी एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टॉप अप योर स्मार्ट कार्ड और बस जस्ट स्पीक टू द ड्राइवर, आपके पास पैसे नहीं है कार्ड है और उसके ज़रिए से भी आप सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सुलियात है यार, ठीक है, तो अगर आप यूके हैं तो बस का सफ़र ज़रूर करें। मॉल के अंदर आ गए जी, यहाँ काफ़ी गेमा गेमी है, देख लें। दो चीज़ें लेनी थी पता कर, यहाँ पे हैं जी स्वीट, देख लें बहुत कुछ है। ये स्पेशली हसन रजा के लिए है, क्योंकि वो ज़्यादातर अर्तुगरुल ड्रामा देखता है ना, तो उसके अंदर ये बंदा भी है, तो आज मुझे यहाँ मिल गया तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना लूँ। अभी जी शाम का टाइम हो चुका है, अंधेरा छा चुका है भाई साहब, तो मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, तो मज़ीद अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।